नमस्कार दोस्तों, सौरभ ज्ञानियर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको डेक्सोरेंज सिरप के बारे में जानकारी देंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी होती है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको डेक्सोरेंज सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल सौरभ ज्ञानियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें डेक्सोरेंज सिरप के मार्केट प्राइस की, तो इसकी मार्केट प्राइस 174 रुपये है और इस सिरप की मार्केट प्राइस समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है और यह सिरप 200 ml की पैकिंग में आता है। बात करें इस सिरप की कंपनी के बारे में, तो इसे वार्डेक्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। बात करें इस सिरप के कंटेंट के बारे में, तो इसमें फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो कि 160 mg में होता है, एलिमेंटल आयरन जो कि 32.8 mg में होता है, साइनोकोबालामिन 7.5 mcg में होता है, फोलिक एसिड जो कि 0.5 mg में होता है और एल्कोहल जो कि 0.87 ml में होता है। बात करें इस सिरप के यूजेस के बारे में, डेक्सोरेंज सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। फ्रेंड्स, इस सिरप का इस्तेमाल खून की कमी यानी कि एनीमिया को दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी कारण से शरीर में खून की कमी हो गई हो, चाहे वह चोट लग जाने के कारण, ब्लीडिंग होने के कारण हुई हो या फिर गलत खान पान के कारण हुई हो, तो किसी भी प्रकार से शरीर में खून की कमी हो गई हो, तो उसे पूरा करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। खून की कमी के कारण शरीर में कमजोरी आना, चक्कर आना, थोड़ा सा काम करने पर आलस महसूस होना, हाथों या पैरों में दर्द महसूस होना, इसके अलावा हाथों या पैरों में झुंझुनाहट महसूस होना, सर दर्द होना, कमर दर्द होना, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर में चक्कर आना, कमजोरी होना, आलस आना, आँखों के सामने धुंधला दिखाई देना, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप का इस्तेमाल करने से बच्चे का विकास अच्छी तरह से होता है। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे कि आपका शरीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल करने से आपको भूख अच्छी तरह से लगती है और वजन भी बढ़ता है। इसके अलावा दुबला पतला शरीर मोटा भी होता है। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही बेहतरीन सिरप है खून की कमी और कमजोरी दूर करने के लिए। और आइए जान लेते हैं इस सिरप की डोज के बारे में, डेक्सोरेंज सिरप को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। इस सिरप की नॉर्मल डोज की बात की जाए, तो एक एडल्ट व्यक्ति में इस सिरप की नॉर्मल डोज 10 ml सुबह और 10 ml शाम को खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, तभी इस सिरप का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस सिरप की डोज उम्र और वज़न के हिसाब से अलग अलग होती है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है यह उसकी समस्या के ऊपर निर्भर करता है। तो डॉक्टर आपको जितनी मात्रा में इस सिरप का इस्तेमाल करने को कहें, आप उतनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। और आइए जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, डेक्सोरेंज सिरप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो यह बहुत ही बेहतरीन सिरप है, इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम ही देखे गए हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट जैसे उल्टी होना, जी मचलाना, दस्त होना, सरदर्द होना, पेट में दर्द होना, गैस बनना, यह सब इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि किसी किसी को होते हैं, सबको नहीं होते हैं।
तो फ्रेंड्स यह थी हमारी आज की जानकारी डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।